मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस नए वीडियो में हम स्वागत करते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए इस सुंदर सुबह में हम प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे, क्योंकि प्रभु ने हमें एक नया जीवन दिया है, एक नई श्वास दी है और हमें अपने परिवारों के साथ रहने के लिए और प्रभु की महिमा स्तुति करने के लिए एक और मौका दिया है। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए हम सुबह में प्रभु से प्रार्थना करते हैं ताकि आज के इस दिन में हम हर एक कार्यों में प्रभु की उपस्थिति को देख पाएं और हमारा हर एक कार्य सफल हो और जहां भी हम जाएं सुरक्षित रहें और प्रभु के पंखों की आड़ में छुपे रहें। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज अगर आपके जीवन में कोई भी समस्याएं, कोई भी चिंताएं हैं तो आज हम अपनी सारी चिंताएं, सारे समस्याएं प्रभु के ऊपर दे देंगे। प्रभु का बोझ हल्का है, उसका बोझ हम अपने ऊपर लेंगे और अपनी सारी समस्याएं, चिंताएं हम प्रभु को दे देंगे। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आज के इस वीडियो में आप मन से, हृदय से अगर आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना जरूर पूरी होगी। क्या हुआ था मेरे दोस्तों, मरकुस अध्याय 1:40, एक कोढ़ी व्यक्ति ईसा के पास आया और बोला, आप चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। प्रभु यीशु क्या बोला कि मैं यही चाहता हूँ कि तू शुद्ध हो जा। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, प्रभु यही चाहता है कि हमारे जीवन में कोई भी चिंताएँ, कोई भी समस्याएँ नहीं रहे, लेकिन अगर आप चाहें तो उन चिंताओं, समस्याओं को ख़त्म कर सकते हैं प्रभु को देकर। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आइए सुबह में हम सारी चिंताएं, सारी समस्याओं को प्रभु को दे देंगे और हम आज़ाद हो जाएंगे। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, ओ महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, स्वर्ग के सिंहासन पर पिता के दाहिने विराजमान प्रभु यीशु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे विश्व मंडल के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आप दयालु हैं, आपका प्रेम सागर की गहराइयों से भी अधिक है प्रभु जी। हे प्रभु जी, आप हर एक मनुष्यों से, हर एक लोगों से प्रेम करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने हमें चुना है और आज के इस दिन में, आज के सुबह में हमें जीवित रखा, यह नई किरण दिखाया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने हमारे परिवारों में, हमारे दोस्तों को, हमारे रिश्तेदारों को, हमारे गांव वालों को, हर एक लोगों को सुरक्षित रखा है, जीवित रखा है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने इस सृष्टि की रचना की है, आपने इस संसार में रहने वाले हर एक जीव जंतुओं, हर एक मनुष्यों को बनाया है प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आकाश और पृथ्वी की रचना की है प्रभु जी, आपने सूर्य चंद्रमा तारे को बनाया है पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी, आप महान हैं प्रभु जी, आप महान हैं, आप भूखों को खिलाते हैं और लंगड़ों को चलाते हैं प्रभु जी। हे प्रभु यीशु जी, आप मुर्दों को जीवित करते हैं, अंधों को आँखें देते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु जी। हे प्रभु जी, जिस प्रकार आपने हर एक लोगों को, हर एक लोगों के समस्याओं को प्रभु जी दूर किया है प्रभु जी, आज के इस सुबह में प्रभु जी, आज के इस सुबह में जितने भी भाई बहन के जीवन में समस्याएं हैं प्रभु जी, संकटें हैं, बहुत दिनों से उनके ऊपर वो संकटें हैं प्रभु जी, हे प्रभु जी, आज के सुबह में उन भाई बहन के सारे समस्याओं को प्रभु जी, उन भाई बहन के जीवन से जितनी भी सारी समस्याएं हैं, उन सारी समस्याओं को प्रभु जी, हम आपके चरणों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप उनका सारा बोझ ले लीजिए, क्योंकि प्रभु जी, आपके वचनों में लिखा है कि हे थके मांदे लोग, सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हे प्रभु जी, आज की इस सुबह में हम आपके पास आते हैं और उन भाई बहनों को भी आपके चरणों में सौंपते हैं प्रभु जी, जो लोग परेशान हैं प्रभु जी, अपने परिवारों की चिंताओं से, अपने परिवारों में समस्याओं से। हे प्रभु जी, उन लोगों की सारी चिंताएं को दूर कर प्रभु जी, और अपना बोझ उन पे दे दे, शांति का, प्रेम वाला बोझ प्रभु जी, ताकि वे शांति से रह सके, क्योंकि प्रभु जी, तेरा बोझ हल्का है। हे प्रभु जी, अपने बोझ को उनके ऊपर दे दे और उनके बोझ को अपने ऊपर ले ले। हे प्रभु जी, आप दयालु हैं प्रभु जी, आप लोगों से प्रेम करते हैं, आप दया सागर हैं, आप ही सहायता करने वाले हैं पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, हमसे
कोई भी अपराध ना हो प्रभु जी, हम हर एक अपराधों से बचे रहे, हर एक संकटों से बचे रहे प्रभु जी। हे प्रभु जी, आज के इस दिन में हमें शैतान बहकाने न पाए। हे प्रभु जी, हम आपकी उपस्थिति में, हम आपके चरणों में आते हैं। हे प्रभु जी, अपना अनुग्रह प्रदान कर और अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा आज के दिन हमारी अगुवाई कर और आप हमारे साथ रह। हे प्रभु जी, हमारे हर एक कार्यों में, ताकि हमारा हर एक कार्य, हर एक योजनाएं, हमारे सोचे हुए हर एक योजनाएं सफल हो। क्योंकि प्रभु जी, जिसके तरफ से आप रहते हैं उसका कोई कुछ नहीं कर सकता। हे प्रभु जी, हम आप पे विश्वास करते हैं, हम आप पे ही भरोसा करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आपने ही हमें बनाया है। हे प्रभु जी, आपने हमारे पापों के लिए जान दिया है, हमें पापों से छुड़ाया है प्रभु जी। हे प्रभु जी, हमेशा हमारे साथ रहिए, ताकि प्रभु जी आज के इस दिन में हम आपके विरुद्ध कोई भी अपराध न कर बैठे। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, आज के इस दिन में हर एक भाई बहनों को हर एक दुर्घटनाओं से बचा कर रख, हर एक बीमारियों से बचा कर रख प्रभु जी, हर एक महारोगों से प्रभु जी आज उन्हें बचा कर रख प्रभु जी। उनके परिवारों में शांति बरसा, आशीष दे प्रभु जी। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, जिन घरों में भोजन नहीं मिल रहे, हे प्रभु जी उन घरों में तो भोजन की व्यवस्था कर। हे प्रभु जी, जिन घरों में लड़ाई झगड़ा होती है, हे प्रभु जी उन घरों में अपनी शांति, अपने प्रेम, अपनी दया बरसा प्रभु जी, ताकि वे लोग मिलजुल के रह सके प्रभु जी। आप ही शांति दाता हैं प्रभु जी। प्रभु जी, आप ही शांति दाता हैं, आप ही मुक्ति दाता हैं प्रभु जी, आप ही उद्धार करता है। हे प्रभु, उन लोगों का उद्धार कर प्रभु जी, जो लोग बहुत दिनों से समस्याओं में, बीमारी में पड़े हुए, उन लोगों का उद्धार कर प्रभु जी। क्योंकि आप ही उद्धार करता है, आप ही सच्चा उद्धार करता है प्रभु जी, आप ही सत्य प्रतिज्ञा है प्रभु जी। प्रभु जी, आपके वचनों में सामर्थ है प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं कि जो लोग आपके वचनों पर विश्वास करेंगे प्रभु जी, वे लोग चंगे हो जाएंगे। हे पिता परमेश्वर, आप सामर्थ हैं प्रभु जी, आप सामर्थ हैं। आपकी बात वायु और समुद्र भी मानती है प्रभु जी। प्रभु जी, आप धन्य हैं, आप महान हैं। हे प्रभु जी, आप पवित्र हैं प्रभु जी, आप ही हर एक लोगों की हर एक जरूरतों को पूरी करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में जिन घरों में कोई भी जरूरतें हों, जिन लोगों के जीवन में कोई भी जरूरतें हों प्रभु जी, उन लोगों की जरूरतें को पूरी कर प्रभु जी, चाहे वो पैसे की हो या और कोई चीज़ की प्रभु जी, उनके हर एक जरूरतों को पूरा कर और उनके हर एक समस्याओं, चिंताओं को दूर कर। हे प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, जब परमेश्वर आपकी ओर से लड़ता है तो आपसे कोई भी विजय नहीं हो सकता। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु अगर हमारी ओर है तो मनुष्य क्या, कोई भी दुश्मन, कोई भी भूत, कोई भी संकट हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए आप लोग प्रभु पे भरोसा रखें, क्योंकि प्रभु हमारी ओर खड़ा है, प्रभु हमेशा हमारी ओर रहता है, हमारे साथ रहता है। प्रभु बोलता है कि तू जहाँ जहाँ जाएगा मैं वहाँ वहाँ तेरे संग रहूँगा। मेरे दोस्तों, आप लोग कभी भी निराश ना होए, क्योंकि प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। हम जहाँ जहाँ भी जाएं, प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है। इसीलिए किसी भी परेशानी में अपने आप को अकेला महसूस ना करें, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे साथ रहता है। तो फिर आप क्यों चिंता करते हैं, क्यों अपने जीवन में समस्याओं को आते हुए भयभीत हो जाते हैं, डर जाते हैं। मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, किस तरह पेत्रुस पानी पे चल रहा था, प्रभु को देखा और उसे विश्वास नहीं, वो सोचा कोई भूत प्रेत है, लेकिन प्रभु बोला डरो मत, मैं हूँ। पेत्रुस क्या बोला, प्रभु अगर आप हैं तो हमें आज्ञा दीजिए कि हम पानी पे चल के आ सके, और प्रभु बोला आ जाओ। और जैसे ही वो पानी पे चलने लगा, वो आंधी तूफान आते हुए देख के भयभीत हो गया, डर गया और वो डूबने लगा। मेरे दोस्तों, हमारे जीवन में भी उसी तरह से होता है कि हम कोई भी समस्याओं को आते हुए देखते हैं। कोई भी बीमारी अगर अपने आपके जीवन में आ जाए तो आप भयभीत हो जाते हैं, अगर आप डर जाएंगे तो आप डूबने लगेंगे, जिस तरह से पैदरुष डूबने लगा। इसलिए मेरे दोस्तों, आप लोग हर एक विपत्ति में, हर एक समस्याओं में, हर एक बीमारियों में हिम्मत बना के रखें, धैर्य रखें, क्योंकि प्रभु धैर्य वालों को देखता है, उनके विश्वास को देखता है। इसलिए अगर आपके जीवन से कोई भी बीमारी, कोई भी समस्याएं नहीं जा रही, तो आप विश्वास रखें, प्रभु पे विश्वास रखें,
वे हर एक बीमारियों को दूर करने वाला है, वो मुर्दों को जिलाने वाला है। वो हमारे पापों के लिए जान दिया है कि हम लोग शांति से रह सके, हर एक पापों से दूर सुरक्षित रह सके, शांति से रह सके। तो क्या वो हमें हर एक बीमारियों से नहीं छुड़ाएगा? छुड़ाएगा। इसलिए हम लोगों को धैर्य बना के रखना है, प्रभु पे विश्वास रखना है। मेरे दोस्तों, प्रभु से प्रार्थना करें, हमारा उद्धारकर्ता वही है, हमारी ज़रूरतों को पूरी करने वाला वही है। इसलिए मेरे दोस्तों, हम प्रभु पे विश्वास रखें। हे पिता परमेश्वर, प्रभु जी, ये भाई बहन लोग आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी, इनकी हर एक समस्याओं को दूर कर प्रभु जी, इनके जीवन में जितने भी बीमारियाँ हैं प्रभु जी, उन सारी बीमारियों को दूर कर और हमेशा इनके साथ रहें, क्योंकि प्रभु जी ये विश्वास करते हैं कि आप इनके साथ रहते हैं। हे प्रभु जी, जो आपकी ओर ताकता है प्रभु जी, वे कभी निराश नहीं होता। जो आप पे भरोसा करता है प्रभु जी, वे कभी लज्जित नहीं होता। इसलिए प्रभु जी, आप हमेशा इनके साथ रहिए। हे पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, और इन सभी प्रार्थनाओं को, इन सभी निवेदन को, इन सभी विनतियों को हम विश्वास के साथ प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।